फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती को लेकर के जिस दिन का आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, तो फाइनली वो दिन आज आ चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को 2 दिन पहले ये कह दिया था कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड और सुशांत केस में जितने भी लोगों को जो नाम आ रहा था, उन सब लोगों को एनसीबी ने कलेक्ट किया, उनके बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल थी, फिर उसके बाद उन्होंने फ्राइडे को अपने फाइनल जो चार्जशीट है उसको सबमिट कर दिया था। तो उसमें 33 लोगों के जो नाम लिखे हुए थे, तो उसमें से 14 लोगों के जो नाम रिवील हो गए थे, और उनके नाम मैंने आप सब लोग पिछले वाले वीडियो में बताया। अगर आप सब लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है और आखिरकार कौन है वो 14 लोग, अगर आप सब लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ पर समीर वानखेड़े को लेकर के ये एक अपडेट बाहर निकल कर आई है कि समीर वानखेड़े ने इन सब चार्जशीट को कोर्ट में पेश कर दिया है, और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो जो सबूत उसमें पेश किए, अगर वो सच साबित हो जाते हैं तो रिया चक्रवर्ती को लगभग 10 से 12 साल की सजा हो सकती है। और यहां पर उस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक ऐसा उनका ब्लड सैंपल लेकर के उसमें उनकी रिपोर्ट उसमें पेश की गई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स लेती थी या फिर नहीं लेती थी। तो इसके ऊपर एनसीबी ने इस रिपोर्ट को चेक कराया तो उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो इस रिपोर्ट को उसके अंदर पेश किया गया है। तो यहाँ पर अगर ये रिपोर्ट अगर कोर्ट में पेश होती है और रिया चक्रवर्ती का नाम आता है, तो रिया चक्रवर्ती को लगभग जेल हो सकती है, लगभग आज या कल के अंदर। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के ऊपर 27A के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया, अगर ये मुकदमा कोर्ट में सच साबित हो जाता है तो रिया चक्रवर्ती को आज कल के अंदर 100% जेल हो सकती है। अब यहाँ पर आप सब लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे कि क्या रिया चक्रवर्ती को आज जेल हो सकती है या फिर कल जेल हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों को बता दूं कि रिया चक्रवर्ती को जेल लगभग नामुमकिन है, लगभग 10 साल के भी नामुमकिन है, क्योंकि वो इतनी बड़ी स्टार है। अब यहाँ पर उनके पास इतना सारा पैसा है, इतने सारे लोगों का सपोर्ट है, तो लगभग शायद ही रिया चक्रवर्ती को जेल हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ मेरा ओपिनियन था। अब आप सब लोगों क्या ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप सब लोगों को जल्दी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।